कि कोई व्यक्ति अगर अपोज करना चाहता है तो उसको कैविएट फाइल करना पड़ेगा। अब कैविएट का प्रोविजन कहाँ है वो देखिए, निकालिए 284 नोट कर लीजिए, अभी किताब आप लोग पास में होगा, और उसी में 284 पढ़िएगा पूरा, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बाद में पढ़िएगा। कैविएट का सेक्शन लिख लीजिए, रेलिवेंट सेक्शन 284, और इसी में नीचे में फॉर्म ऑफ कैविएट दिया हुआ है, और लास्ट में शेड्यूल में कैविएट दिया हुआ है, और तब सेक्शन 285 कैविएट पर सुनवाई होगी। अब कैविएट पर सुनवाई होगी तो क्या होगा, देखिए कैविएट वही व्यक्ति देता है जिसको कि कैविएटेबल इंटरेस्ट होता है, देने के लिए तो कोई भी दे सकता है। तो पहले जो कैविएट कैविएट देने वाला व्यक्ति को कैविएटर कहते हैं, और जब उसका कैविएट अलाउ हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्टर बन जाएगा, और जब ऑब्जेक्शन उसका एक्सेप्ट हो जाएगा और कंटेंशियस प्रोसीडिंग हो जाएगा तो ही ऑब्जेक्टर डिफेंडेंट बन जाएगा। तो कैविएटर, ऑब्जेक्टर और डिफेंडेंट स्टेज टू स्टेज बदलते रहता है। तो कैविएटेबल इंटरेस्ट समझिए श्रीवास्तव जी, गिफ्ट हो, विल हो, दूसरा उसे कोई, कैविएटेबल इंटरेस्ट किसको कहते हैं? तो कैविएटेबल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला है कि उस विल से जो विल के लिए कोर्ट में पिटिशनर आया है, आइदर तो प्रोवेट और एले, उससे उस कैविएटर को कोई इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि नहीं, एक नया पैसा भी कोई अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको कैविएटेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरा कैटेगरी का हुआ कैविएटेबल इंटरेस्ट का, कि अगर वो टेस्टेटर बिना विल के मर जाता तो उस टेस्टेटर से उसको कोई इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। तो दो ही सोर्स है कैविएटेबल इंटरेस्ट का, आइदर द विल इटसेल्फ और द टेस्टेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अब पढ़िएगा अपना गिफ्ट और विल और सेल डीड और जो भी पढ़िएगा वो फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिएगा। आपको टाइटल हो गया, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन यू हैव नो कैविएटेबल इंटरेस्ट। और इसको समझने के लिए बहुत सब पटना हाई कोर्ट का जजमेंट मिलेगा आपको 285 में सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन एक ही जजमेंट है जो पूरा इनलाइटन करेगा, उसका नोट कर लीजिए रेफरेंस, आर एम लोढ़ा वर्सेज राजेंद्र सिंह। बिरला के फैमिली का केस है, हाँ 2008 सुप्रीम कोर्ट, आप पेज खोज लीजिएगा, SCC में भी है, AIR में रिपोर्टेड है, किसको कैविटेबल इंटरेस्ट कहते हैं, सारा चीज जो हम बता रहे हैं सब उसमें लिखा हुआ है, वो खोज करके पढ़िएगा। सब लोग के लिए जो अभी नया कोर्ट होल्ड कर रहे हैं एज ए प्रोवेट कोर्ट, उन सब लोग के लिए वो जजमेंट पढ़ना चाहिए, जस्ट लाइक ए टॉर्च लाइट है, स्टेप बाई स्टेप उन्होंने लिख दिया है। इनका है जस्ट ऑनरेबल जस्टिस SB सिन्हा का, जो पटना हाई कोर्ट से ही एलिवेट हुए थे, उन्हीं का जजमेंट है। ऑब्जेक्ट करेगा या वो सपोर्ट भी कर सकता है प्रोवेट को, अगर बेनिफिशियरी है तो सपोर्ट, ठीक बता रहे हैं, जो सपोर्ट करने वाला आता है वो कैविएटर नहीं कहलाता है। प्रधान जी का प्रश्न है कि कैविएटर खाली अपोज करेगा सपोज करेगा, कैविएटर वही होता है जो अपोज करना चाहता है, सपोर्ट करने वाले का कोई नाम नहीं है। सपोर्ट कौन करेगा, जो नियर रिलेटिव है, कोई स्ट्रेंजर नहीं सपोर्ट करेगा। तो 10 नियर रिलेटिव है, जेन्युइन एंड बोनाफाइड केस है, एक पिटिशनर है, तो बाकी 9 नियर रिलेटिव आकर के सपोर्ट कर सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है और उसके लिए कोई फॉर्म नहीं है। वो एक एफिडेविट पर आके बोल सकता है रिटेन कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, या कोर्ट में एज ए विटनेस डिपोज कर सकता है, उसका अलग स्टैंडिंग है, वो ऑब्जेक्टर नहीं होगा, वो कैविएटर नहीं होगा। कैविएटर उसी को कैविएटर कहा जाता है जो अपोज करना चाहता है, और इसको कैविटेबल इंटरेस्ट है। तो कैविटेबल इंटरेस्ट डिराइव होता है आइदर थ्रू विल और थ्रू टेस्टेटर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसा कि श्रीवास्तव जी का एक वो याद पड़ रहा है, सवाल पूछे थे टी ब्रेक में, कि एक टेस्टेटर है, एक विल लिख दिया पहले, और ही टेस्टेटर दूसरा विल लिख दिया, तो उसका लॉ है कि लास्ट विल ऑलवेज प्रिवेल, लास्ट विल ऑलवेज प्रिवेल, तो पहला विल ऑटोमेटिकली रिवोक्ड माना जाएगा अगर उसमें लिखा हुआ नहीं भी है। जनरली जो ड्राफ्ट्समैन एक्सपीरियंस रहता है वो लास्ट विल में लिख देता है कि आई हियर बाई रिवोक, बहुत सा जो स्टैंडर्ड विल
ड्राफ्टिंग का है स्टैंडर्ड, उसमें पहला ओपनिंग लाइन रहता है आई हियर वाई रिवोक माई ऑल प्रीवियस बिल्स। और इंडिया का जो ट्रेडिशनल ड्राफ्टमैन होता है पुराना और एक्सपीरियंस, वो लोग लिखता है कि पूर्व में लिखा गया सभी वसीयत को मैं रद्द घोषित करता हूँ या उसको रद्द किया जाता है इन एनी फॉर्म व्हाट एवर वर्ड्स इफ इट इज अपेरेंट फ्रॉम द विल इटसेल्फ दैट अर्लियर विल हैज बीन रिवोक्ड देन नो प्रॉब्लम। इवन इफ देर इज नो रिसाइटल इन द विल देन बाई सब्सिक्वेंट विल इट शैल बी डीम्ड दैट अर्लियर विल इज स्टूड रिवोक्ड। तो सब्सिक्वेंट विल इज द लास्ट विल व्हिच शैल प्रिवेल एंड प्रोबेट कैन बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल। ये तो समझ गया, जस्ट इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बता रहे हैं श्रीवास्तव जी। वो क्या है कि आप पहला विल है आपका, अब आप उस विल के आधार पर कैवियट देना चाहते हैं और दूसरा विल का प्रोवेट फाइल किया हुआ है, तब क्या होगा? क्योंकि वो लास्ट विल है या फर्स्ट विल है, डेट से तो समझ में आ रहा है कि वो फर्स्ट है या लास्ट है, लेकिन यहाँ पर एंट्री पॉइंट पर उसको नहीं रोकना है। ये इट इज ए डिबेटेबल क्वेश्चन, हो सकता है कि लास्ट विल फोर्ज हो, फैब्रिकेटेड हो, फ्रॉडुलेंट हो, तो जब तक उसको आने का दरवाजा नहीं दीजिएगा तो वो विल से क्लेम करता है। और विल किसका है? उसी टेस्टेटर का, मींस द पर्सन हु वांट्स टू अपोज ऑन द बेसिस ऑफ अ विल इज ऑल्सो डेराइविंग इंटरेस्ट फ्रॉम द सेम टेस्टेटर। घुमा के आ गया भाया मीडिया से, डायरेक्ट नहीं, तो वो भी कैविएटर हो सकता है। हाँ, तो विल के आधार पर वो भी हो सकता है। हाँ, पार्टी नहीं, अभी पार्टी कैसे बनेगा, दोनों में फर्क है। डॉट से लाइक इट इज ए टेक्निकल वर्ड, पार्टी कब बनेगा? पहले कैविएट देगा, कैविएट पहले वो दिखाएगा कैविएटेबल इंटरेस्ट है, और जब कैविएटेबल इंटरेस्ट आप एक्सेप्ट कर लीजिए तो कैविएटेबल इंटरेस्ट दिखाने के लिए एक लाइन का जो फॉर्मेट दिया हुआ है लास्ट में वो सफिशियंट नहीं है, उसको पूरा फैक्ट लिखना पड़ेगा सपोर्टेड विथ एफिडेविट। तो कैविएट का जो अभी मॉडर्न प्रैक्टिकेबल प्रचलित जो रूप है, कैविएट इज इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट विच कंटेन्स ऑल द ग्राउंड्स ऑफ अटैक, और उसमें कैविएटेबल इंटरेस्ट कैसे आएगा उसके बारे में पूरा फैक्ट लिखा हुआ। तो या तो वो कंपोजिट हो एफिडेविट, या दो हो, एक फॉर्म है वो फॉर्म में एक लाइन का रहेगा, उसमें एफिडेविट की आवश्यकता नहीं है, और फॉर्म इज सपोर्टेड बाय ए सेपरेट एफिडेविट, दोनों परमिसिबल है। तो सुविधा के लिए लोग एक ही में कंपोजिट बना देते हैं, कैविएट का जो एक लाइन सेंटेंस है वो लिख देते हैं और बाद में एफिडेविट में फॉर्म में उसको बना देते हैं, और जो ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन है और जो कैविएटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसके बारे में फैक्ट्स लिख देते हैं, ये सब मिला करके वो कंपोजिट हो जाता है, कैविएट और प्लस ऑब्जेक्शन। अगर आप समझते हैं कि हाँ इसका कैविएटेबल इंटरेस्ट है तो आप लिखिएगा कैविएट इज अलाउड या कैविएट इज एक्सेप्टेड। कैविएटर इज परमिटेड टू फाइल ए रिटन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्शन। अगर कैविएटर कहता है कि अब हमको अलग से नहीं देना है व्हाट एवर आई हैव फाइल, तो उससे कोर्ट का टाइम बचता है, लेकिन ये अलग बात है कि वकीलों को प्रोफेशनलिज्म के चलते कभी कभी एक बार कैविएट का फीस लेंगे, फिर एक बार ऑब्जेक्शन का फीस लेंगे, और फिर एक बार रिटन स्टेटमेंट का फीस लेंगे, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, ना आप रोक सकते। तो वो भी हो सकता है, तीनों हो, दोनों पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही आप कैविएट अलाउ कीजिएगा तो उसमें लिखिएगा कि कैविएट के हिसाब से अभी कंटेंशियस प्रोसीडिंग है, इट मे बी रजिस्टर्ड एज ए टेस्ट सूट, और आप फिर डायरेक्शन दीजिएगा एविडेंस वगैरह के लिए। तो कैविएटेबल इंटरेस्ट समझ गए, और कैविएटेबल इंटरेस्ट के बाद तब वो पार्टी ट्रीट हो, उसके पहले कोई पार्टी नहीं होता, समझ गए? हाँ, अब है कि आप लोग का टाइम कितना बच रहा है उसी हिसाब से हम शॉर्ट करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है, पाँच सात मिनट आपका क्वेश्चन आंसर का रखते हैं, फटाफट आप लोग क्वेश्चन पूछते जाइए। उसी में जो अभी बताए उसी हिसाब से आप सोचिए तो आंसर मिल जाएगा। जिस दो प्रॉपर्टी, सवाल सुन लिया आप लोग, दो प्रॉपर्टी का एक विल हुआ, अब उसके बाद फिर उसी टेस्टेटर ने उसी लिगेटी के पक्ष में एक दूसरा विल किया, उसमें एक प्रॉपर्टी दिया,
तो एक प्रॉपर्टी दिया और दूसरे के बारे में कुछ नहीं लिखा, दूसरे के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा था, ऐसे केस में उसको लिखना पड़ेगा कि दूसरा प्रॉपर्टी का हम रिवोक करते हैं, हम इसको एक ही प्रॉपर्टी देते हैं। अगर लीगेटी चेंज हो गया है, अच्छा लीगेटी चेंज हो गया, जब लीगेटी चेंज हो जाएगा तब माना जाएगा एक प्रॉपर्टी के लिए रिवोक हुआ, एक प्रॉपर्टी का पहला लीगेटी रह जाएगा, यही माना जाएगा। दोनों भी इलेक्टिव रहेगा। हाँ, हाँ तो भी हो सकता, हाँ हाँ बेनिफिशियरी भी हो सकता, कहा एक पैसा का भी इंटरेस्ट है तो भी हो सकता। देखिए जहां भी माइनर है तो माइनर कैन नॉट कंटेस्ट द प्रोसीडिंग, देयर मस्ट बी सम गार्जियन हु रिप्रेजेंट्स द माइनर। अगर उसका नेचुरल गार्जियन रिप्रेजेंट कर रहा है सो मच सो गुड, अगर नहीं कर रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अपॉइंट जीएन। तो कब कीजिएगा, वो माइनर अगर कैविएटर था, उसका कैविएट अलाउ हो गया और पार्टी हो गया, तभी आप कर सकते हैं जीएन अपॉइंट। माइनर कैविएट फाइल कर सकता है, अगर माइनर को इंटरेस्ट आता है उसमें तो थ्रू गार्जियन फाइल कर सकता है माइनर, सेम प्रिंसिपल। और जब जैसा आप कह रहे हैं कि दो प्रोबेट है तो दोनों प्रोबेट को क्लब करने के लिए एक साथ डिसाइड होना चाहिए, और अगर आपके पास एक केस है दूसरा केस दूसरे कोर्ट में है तो पार्टी को आप डायरेक्ट दीजिए टू फाइल ए पिटिशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट सो दैट बोथ केस मे बी ट्रांसफर टू वन एंड द सेम कोर्ट, तभी उसमें प्रोसीड करना चाहिए। हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल पाठक जी ने पूछा है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। बहुत चीज कहने के लिए समय की कमी है और आप लोग पास पेशेंस भी की कमी है, पता नहीं आप लोग यंग आदमी हैं, हम लोग तो इतना जल्दी पेशेंस लूज करते हैं। हम तो लगातार यहाँ 10 बजे से 6 बजे 7 बजे तक ही क्लास लेते रहे, कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेक, खाली लंच ब्रेक हुआ 10-15 मिनट का, और उस दिन वर्ल्ड कप का मैच था क्रिकेट का, 7 बजे किसी ऑफिसर ने कहा, आप लोग तो इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी सीनियर ऑफिसर ने हिला भी नहीं ड्यूरिंग इतना लंबा क्लास में, इतना लाइवली और इंटरेस्टिंग क्लास था। अभी सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट इन्होंने किया, पाठक जी कहाँ भी है, पाठक जी दानापुर में किए, औरंगाबाद चले गए प्रधान जी के बगल में, अच्छा ठीक है। तो देखिए अभी औरंगाबाद का वो केस आया है, अभी तो क्लाइंट फ़ोन पर बोला है ब्रीफ लेके आए नहीं, उसमें अजय बहू गया से सब उल्टा पुल्टा केस किया हुआ है, वकीलों साहब उल्टा बहस कर दिए और जज साहब भी उल्टा कर, और फिर लगता है वहाँ कोई मिसलेनियस केस हुआ, वो ही दोनों उसका डिसमिस हो गया। हाँ हाँ, तो विचित्र विचित्र सिचुएशन देख रहे हैं सर, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। हाँ, वो तो सीधे अपीयर होता है, बोलता है डब्ल्यूएस देना है, ठीक है, इसीलिए देखे, इसीलिए देखिए कितना फर्क पड़ गया, अब तो आप सावधान हो गए ना, नहीं सब रिजेक्ट हो जाएगा, जब कोई गलत कर देगा तो उसको कहेगा गलत कर दिया तो ठीक है बहुत दिन हो गया, उसको कहिए फिर से डायरेक्शन दीजिए कि आप कैविएट फाइल कीजिए, जो गलती हो गया उसको रिकॉर्डाइज कर सकते हैं, वो तो अधिकार आपको है।
टीएस में कन्वर्ट हो गया, अगर मान लीजिए कि टीएस में कन्वर्ट हो गया तो आप फाइटिंग दे दीजिएगा कि बिल जेन्युइन है, आप इंक्वायरी कीजिएगा कि नहीं। कन्वर्सन होने से कहा तो आपका पावर इंक्रोच अपॉन नहीं होगा और प्रोविजन नहीं बता। अगर कोई गलती ऑर्डर कैरी आउट हुआ है तो जिस समय गलती आपको दिखाई पड़ता है उसी समय क्योर करना चाहिए, जिस समय बीमारी आपको पता चले इलाज कीजिए, नहीं तो बीमारी कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे बीमारी में। इनका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अटेस्टिंग विटनेस पर, अटेस्टिंग विटनेस पर सवाल है पाठक जी का कि अगर कोई बेनिफिशियरी अंडर द विल है जिसको कि उसमें बेनिफिट मिला है वो अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो उसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ क्यों है कि लॉ में कोई इम्बार्गो नहीं है कि कौन अटेस्टिंग विटनेस होगा कौन नहीं होगा। इम्बार्गो है वो जनरल है कि जो अटेस्टिंग विटनेस हो वो भी कोई पागल दिवालिया नहीं हो, साउंड माइंड का हो और माइनर नहीं। लेकिन अगर उसको भी विल में बेनिफिट है तो ये एक सस्पिशन क्रिएट करता है, तो ज्यादातर समझदार लोग उसको अवॉइड करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं कि वैसे व्यक्ति का इवेन की लीगेटी जो है उसको वहां पर प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। सर, रजिस्ट्रेशन जितना भी विल है उसमें तो बेनिफिशियरी जो लीगेटी है उसका भी फोटो लगा हुआ है, वो भी साइन किए हुए है मोस्ट ऑफ केसेस में। जो डीड राइटर है उसको भी मालूम नहीं है और जो रजिस्ट्रार है उसको भी मालूम नहीं है। लगा हुआ होने से क्या हुआ, गलती हो रही है, वो लोग के पास एक प्रोग्राम आ गया वो कंप्यूटर में फिट है, उसके अलावे कुछ चेंज करके दीजिएगा तो कहेगा कंप्यूटर लेता ही नहीं है, उसके यहाँ लकीर का फकीर है। दो तरह का डॉक्यूमेंट होता है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। वी लीजिए यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट, नहीं तो नहीं किया था, उसका भी जवाब बता देते हैं। आप पढ़िए तो फिर रजिस्ट्रेशन रूल्स में जाइए, जो रिसेंट रजिस्ट्रेशन रूल्स बना है डिजिटलाइजेशन के बाद, उस रूल्स में प्रावधान बनाया गया है कि जो अदर साइड होगा पार्टी यानी कि एक्सक्यूटिव चाहे इनरेस्पेक्ट, हालांकि विल में बहुत सा विल हम कराए जिसमें नहीं है, वो नहीं जानने के कारण गलती हो रहा है, सब किया हुआ, तो इससे अब इट इज इट सेल्फ नॉट ए साइन ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। अगर ऐसा किसी परिस्थिति में आपके आ गया है तो आप रूल्स देखिए, रूल्स परमिट करता है, उस रूल्स के तहत उसने किया है तो वो सोल ग्राउंड नहीं होगा सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का, वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में किया है। लेकिन अटेस्टिंग विटनेस इज समथिंग डिफरेंट, अटेस्टिंग विटनेस को उसके सामने करेगा, वो वहां पर किया बाई वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन विच हैज बीन इनएक्टेड बाई रूल्स, कि जिसके पक्ष में लिखा गया उसको भी फोटो लिया जाएगा, उसका भी पांचों उंगली का टिप्पा लिया जाएगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है पांचों उंगली का टिप्पा लेने का, सब बहुत सा गलत कर रहा है। पढ़े लिखे आदमी का भी टिप्पा होता है। एक बार हम डीड एक्सक्यूट करने गए तो डीड राइटर पहले मेरे पास आया, कहे सर इस पर टिप्पा भी लगता है आजकल, बिना उसके भागता है कि नहीं टिप्पा लगता है। चलो रजिस्ट्रार के यहाँ, तो रजिस्ट्रार के यहाँ देखा, रजिस्ट्रार वकील साहब है तो उतर गया चैम्बर से, हमको चैम्बर में बुलाया, कैसे वकील साहब का डॉक्यूमेंट लाओ, वो देखा तुरंत कर दिया। तो हम कहा कि आपका स्टाफ कह रहा था टिप्पा दीजिए, कैसे नहीं सर ये सब नहीं जानता। तो जनरल क्लाइंट के लिए वो सब करते रहता, उसको क्या जरूरत है, जो वही कहेगा वही सही, रजिस्ट्रार क्यों माथापच्ची करेगा, वही तो सब वसूलता है 30% 40% और लिफाफा बंद करके देता है, वो जो करता है वही करता है, वो जो बोलेगा रजिस्ट्रार करेगा, यस तो यस। तो बहुत सा चीज हो रहा है गलत हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वही लॉ है। आप एज ए जज जानिए व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू अंडर द मैंडेट ऑफ द लॉ। अगर गलत हो रहा है तो आपका ड्यूटी क्या है, आप एक जजमेंट दिए आप पढ़िएगा, वो मोटर व्हीकल एक्ट के कंसर्निंग है। लेकिन ऐसे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत बार हम बताए हैं, वो 2011 का प्रहप्स है, एक जजमेंट है इरास्मो जैक का करके सुप्रीम कोर्ट का है। वो जजमेंट में कोर्ट का ड्यूटी पूरा लिखा हुआ है, ऐसे 3-4 जजमेंट है लेकिन लेटेस्ट जजमेंट ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। मारिया मार्गेडिया, नोट कीजिए स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ा है, मारिया से निकल जाएगा वेबसाइट पर, मारिया MARIA, मारिया मार्गेडिया वर्सेज इरास्मो जैक, ये दोनों भाई बहन था गोवा का, उसी का डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी का, वो टाइटल सूट वगैरह का था, वो केयर टेकर था, वो एडवर्स पेंशन क्लेम कर दिया था, उस पर वो डिसीजन है। लेकिन उसमें
20-25 पारा में ड्यूटी ऑफ कोर्ट लिखा हुआ है। मारिया मारगार्डिया वर्सेज इरास्मो जैक, सब लोग अपने से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिनको नहीं मिलेगा हमको फ़ोन से पूछिएगा, हम रेफरेंस बता देंगे। प्रिंसिपल हमको याद रहता है, पेज नंबर उतना याद रहता है, लेकिन 2011 का ही है जजमेंट, आपको मिल जाएगा, AIR SCC में दोनों है। तो इसलिए वो ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या है, वो अभी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपको एक दिया है, चूंकि उसमें टॉपिक था इसलिए यहाँ पर एक लाइन बताते हैं, उसमें भी एक जजमेंट दिया, उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल ट्रायल एंड ट्रायल ऑफ ए मोटर व्हीकल क्लेम। आप जब मोटर व्हीकल क्लेम करेंगे, अभी आप ए डिजिग्नेटेड ऑथोरिटी है, मोटर व्हीकल क्लेम में आप ट्रिब्यूनल बन जाते हैं, यू आर ए ट्रिब्यूनल, योर फंक्शन इज एज ए ट्रिब्यूनल, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल का ड्यूटी जो है वो अंपायर का नहीं है, सिविल कोर्ट में अंपायर का ड्यूटी है। अंपायर क्या करता है, जो हाँ फॉल्ट देखा हाथ उठा दिया आउट क्रिकेट के मैदान में, तो अंपायर कहा है, प्लेंटिफ क्या कहा, डिफेंडेंट क्या कहा, किसका सही है देख करके आप फैसला करते हैं। लेकिन क्लेम केस में ऑन दी कंट्री आपको एक पार्टी के हैसियत से पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इसको कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्या है नहीं है, तो आपको उसके शू में जा करके उस माइंडसेट से देखना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि कुछ बोल दिया कुछ बोल दिया कुछ फैसला, इसलिए कि दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। तो जितना बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेचर का इंटेंशन है ऑलवेज लीन्स इन फेवर ऑफ द विक्टिम, जिसको डिप्रेस्ड क्लास है, ऑप्रेस्ड क्लास है, तो हाँ जो विक्टिम होता है, जिसका एक्सीडेंट में डेथ होता है, उसका डिपेंडेंट्स विक्टिम कहलाता है, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम करता है। तो वो पढ़ लीजिएगा जजमेंट, और मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत ज़्यादा बताने का नहीं है, आप जजमेंट जितना दे दिया है सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। खास करके सेलेक्ट करके दिए हैं, हम जान रहे थे कि प्रोबेट में भी बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, अब मिनिमम केसेज आप लोगों के पास है, अब नया केसेज आएगा नहीं, इसलिए ज़्यादा फोकस। और बजाज एलायंस का केस सुप्रीम कोर्ट का है पिछला, हमारा इस पर यूट्यूब पर लेक्चर देखिएगा, बजाज एलायंस सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दिया है, बहुत सारा डायरेक्शन है, वो क्लेम ट्रिब्यूनल आपके यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जज के लिए डायरेक्शन है, बैंकर्स के लिए डायरेक्शन है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए डायरेक्शन है, सभी DGP के डायरेक्शन है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को डायरेक्शन है, रजिस्ट्रार जनरल ने उसको सर्कुलेट किया है, और उसी डायरेक्शन के आधार पर जजमेंट के बाद तुरंत एक स्पेशल क्लास लगाया गया था, वो वर्चुअल क्लास लिए है, तो एक डिस्ट्रिक्ट जज का क्लास लिए है और एक ऑल बिहार के DSP का क्लास लिए है, वो वर्चुअल हुआ था, वो भी लेक्चर मेरा मिलेगा जब मोटर व्हीकल का, अगर आप चाहिएगा तो ये जो राइटअप आपको दिए हैं इसके अलावा वो भी सुन लीजिएगा, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो नेक्स्ट क्लास अगर अरेंज होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे और बताने के लिए, इंडिविजुअली आप पूछ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमसे पूछ सकते हैं, जजमेंट पूछ सकते हैं, हम हिंट बता देंगे, समझ जाइएगा। सब जगह लगेगा वो, उसमें देखिए उसमें क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट में सारा प्रोसीजर CPC का होता है, लेकिन उसका ट्रायल का जो स्टैंडर्ड है और प्रोसीजर है एज ए क्रिमिनल ट्रायल है, समन्स ट्रायल का जो होता है, क्योंकि वहाँ पर फाइंड आउट करना, वहाँ दो लाइबिलिटी होता है, फॉल्ट लाइबिलिटी एंड नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी में बना हुआ है कि इतना रुपया आपको देना है, और फॉल्ट लाइबिलिटी में फॉल्ट डिसाइड करना पड़ता है, तो फॉल्ट किसका, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डेथ, तो ड्राइवर के गलती से होता है, तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का जो IPC में डेफिनेशन है और जो ऑफेंस है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वो ऑफेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं, तो ऑफेंस कंप्लीट होने के लिए ऑफेंस का जो इंग्रेडिएंट है उसके हिसाब से एविडेंस है कि नहीं, तो आपको अलग सेपरेट फाइंडिंग देना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर क्रिमिनल ट्रायल में ड्राइवर का एक्विटल हो गया है और वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, आप कॉन्ट्ररी फाइंडिंग दे सकते हैं, तो उसका दो कारण है, जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, और दूसरा कारण है वो मजिस्ट्रेटियल ट्रायल है, मजिस्ट्रेट से आपका हायर जुडिक्शन है, आप सेशंस जज हैं और साथ में ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग है, यू हैव पावर टू डेविएट एंड गिव ए इंडिपेंडेंट फाइंडिंग अबाउट द फैक्टम ऑफ एक्सीडेंट। तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था कि नहीं, अगर रैश एंड नेग्लिजेंट था तब वो ड्राइवर दोषी है, माने फॉल्ट है उसका, जब फॉल्ट है तो फैटल एक्सीडेंट एक्ट का जो प्रावधान है उसके हिसाब से वो लाइबल होता है, और दूसरा लॉ ऑफ टॉर्ट के हिसाब से फर्स्ट लाइबिलिटी इज ऑन द
ड्राइवर हु वाज नेग्लिजेंट इन ड्राइविंग द मोटर व्हीकल। तो एक्सीडेंट के लिए दो वर्ड और आता है, मोटर व्हीकल, वो मोटर व्हीकल होना चाहिए, ऐसा व्हीकल जो मोटर से चलता हो। दूसरा होना चाहिए वो ड्राइविंग उसका पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, और नेग्लिजेंटली ड्राइव करे और उसके वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, तो देयर मस्ट बी सम नेक्सस बिटवीन द रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड द एक्सीडेंट, इतना प्रूव करना पड़ेगा, तब ड्राइवर की लाइबिलिटी फिक्स होगी। और चूंकि ड्राइवर अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिज मास्टर काम कर रहा है, यानी कि ओनर ऑफ द व्हीकल अगर है, तो उसकी विकेरियस लाइबिलिटी ओनर पर शिफ्ट कर जाती है। और अगर वो गाड़ी इंश्योर्ड है तो ओनर की लाइबिलिटी बाई वर्च्यू ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरर पर शिफ्ट कर जाती है, क्योंकि जो एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस होता है इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरर इंडेमनीफाई द इंश्योरर दैट वट एवर लॉस विल बी कॉज आई विल कंपनसेट, तो वो लाइबिलिटी शिफ्ट होता है ऐसे। और जहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, या पॉलिसी कवर्ड नहीं होता है डेट ऑफ एक्सीडेंट से, या पॉलिसी एक्सपायर्ड हो गया है, या फेक पॉलिसी है, फोर्स पॉलिसी है, तो वहाँ पर इंश्योरेंस की लाइबिलिटी नहीं होती है, तब इंटायर लाइबिलिटी ओनर के ऊपर होता है। तो उसका क्या टेस्ट, हाँ व्हील से, हाँ व्हील से है उन्हें, वो व्हील नहीं, जो व्हील आपके यहाँ को वो तो सिर्फ कैविएट के एंट्री के लिए है, वो व्हील फाइल करेगा, व्हील के कंटेंट से पता चलेगा कि हाँ सचमुच में उसने व्हील लिखा इसी प्रॉपर्टी के संबंध में। हाँ वो अभी सिर्फ कैवियट तक ही है, कैवियट के बाद वो व्हील से कोई मतलब नहीं, वो व्हील के लिए फिर उसको अलग केस करना पड़ेगा, वो अलग केस करना पड़ेगा। तो बहुत सारा सवाल अभी भी आंसर नहीं हो सका है, लेकिन हाँ आप कहाँ ख्याति जी, शिवहर तो एकदम किनारे चले गया, पटना में से पहले है, हाँ ठीक पेटीशन का कोई जगह ही नहीं, ओनली कैविएट शुड बी देयर, नहीं जानकारी रहने, देखिए भ्रम क्यों हो रहा है कि जो वकील आपके यहाँ पियर हो रहे हैं वो खुद नहीं जानते हैं, वो आपको भ्रमित करते हैं, और बड़े बड़े और सीनियर वकील जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वही लोग ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं। प्रोबेट जैसी फाइल हो गया, आज प्रोबेट फाइल हुआ कल कैविएट फाइल हो सकता है, उसमें लिमिटेशन का क्या सवाल है, नहीं वो पहले जो कैविएट फाइल होगा वो सीपीसी में है 148 में, वो भी फाइल हो सकता है, तो वो सीपीसी में फाइल होगा। इंजंक्शन का आपको दे दिया है जजमेंट, आपको जो व्हाट्सएप पर गया हुआ है इनहेरेंट पावर है इंजंक्शन का, ऐसे लिखिएगा तो लिख लीजिए, हम अभी बता देंगे, जिनको लिखना है लिखिए, जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबंडरा रहे किनारे बैठ, जिनको भोजन प्यारा है जा सकते हैं क्लास इज ओवर, जिनको जजमेंट लिखना है हम लिखा दे सकते हैं, हाँ लिखा देते हैं। देखिए इरास्मो जैक वाला जो लिखे है गलती बोल दी है, 2012 सुप्रीम कोर्ट है, AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट 1727, हाँ मारिया मार्गेडिया वाला पेज 1727, हाँ इंजंक्शन का दे देते हैं आपको। लिखिए इंजंक्शन वाला लिखिए, आपने श्रीवास्तव जी लिखिए डायरेक्ट जजमेंट 2013 वॉल्यूम 1 PLJR 853 अमरेंद्र ध्वज सिंह वर्सेज प्रेम कुमार सिंह, अमरेंद्र ध्वज सिंह वर्सेज प्रेम कुमार सिंह 853, और जो प्रिंसिपल बेस किया गया है सुप्रीम कोर्ट से मंसार वर्सेज राज बहादुर, मंसार वर्सेज राज बहादुर
AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 527 पहला वाला की दूसरा सेकेंड वाला है मंसार MANSAR मंसार वर्सेज राज बहादुर AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 527 और पेरेंट कलकत्ता हाई कोर्ट का दो पुराना जजमेंट है निरोध वर्सेज चमत्कारिणी निरोध वर्सेज चमत्कारिणी 19 CWN 206 CWN का मतलब कलकत्ता वीकली नोट 19 CWN 206 19 मीन्स 19 हाँ दूसरा और कलकत्ता हाई कोर्ट का है अतुल वर्सेज निरुपमा AIR 1951 कलकत्ता 561 इंजंक्शन पर चार जजमेंट ही पढ़ लीजिएगा तो कब देना है नहीं देना है आपके समझ हाँ लास्ट वाला है अतुल वर्सेज निरुपमा AIR 1951 कलकत्ता 561 तो आपको ये हाई कोर्ट का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मटेरियल उसमें आपको मिल बड़ा स्लो लिखते हैं आप निरोध वर्सेज चमत्कारिणी हाँ चमत्कारिणी 19 CWN 206 हाँ 19 ये साल नहीं है 1900 ये 19 नंबर है जनरल का गलत होता है अब फिर बार बार पूछ रहे जो आता है अब आपका ड्यूटी है देखिए आप जब यहाँ से पढ़ के आप गए तो अब आपका ड्यूटी है वकील को पढ़ाना विरोध करने लगते तो आपके पास कलम है आप रिजेक्ट कीजिए विरोध करने लगते सुनिए आप हिंसा में थे यहाँ पर अभी हैं हिंसा में जब पहली बार सबजल कोर्ट में ADJ का पोस्टिंग हुआ तो उनको सारा पावर दे दिया गया था केस फाइल होता था सारा काम और सिविल क्रिमिनल दोनों में एट पार थे रुक्मिणी कांत चौधरी उनका नाम था हाईकोर्ट प्रैक्टिशनर डायरेक्ट ADJ वाले थे हम तीन चार बार उनके यहाँ अपीयर किए सिविल में भी अपीयर किए क्रिमिनल में भी अपीयर किए प्रोवेट मैटर में अपीयर किए तो बहुत अप्रिशिएट करते थे और यहाँ तक कि एक जजमेंट मेरे खिलाफ पास कर दिए थे सिविल अपील में और रिप्लाई के लिए हम नहीं जा सके टाइम दिए मेरा यहाँ इंगेजमेंट हो गया नहीं जा सके तो जजमेंट लिख दिए तब फिर रिक्वेस्ट करवाए कि हमको एक टाइम दिया जाए हम सैटरडे को हाईकोर्ट बंद रहेगा तो आएंगे तो उन्होंने टाइम दे दिया अब सैटरडे को गए तो उस दिन भी हम जाम में पड़ गए सिविल का टाइम ख़त्म हो गया बेल मैटर शुरू हो गया तो जा कर के हमको बैठना पड़ा जब लंच में उठने समय उन्होंने कहा कि यू हैव मिस्ड द बस हम तो जजमेंट भी लिखा चुके हैं लेकिन जब चूँकि आप आ गए हैं तो हम सुनेंगे आपका अगर आपको ऐसा जजमेंट हमको दीजिएगा जो हम फैसला अपना बदल सकते हैं वो कह दिया कि आपके हम खिलाफ़ कर चुके हैं तो हम कहा हम जानते थे कि आप कौन सा जजमेंट पर खिलाफ किए होंगे इसलिए हम उसका जवाब लेके आए हम 5 मिनट में आपका जजमेंट बदल जाएगा ऐसे ही हम भी बोल दिए वो लंच में गए लंच के बाद आए और लंच के बाद हम जजमेंट चकबंदी से रिलेटेड मैटर था क्योंकि मेरे एडवर्सरी थे मेरे बहुत सीनियर हमसे भी सीनियर थे 10 साल सीनियर वहाँ के सीनियर मोस्ट एडवोकेट थे और वही जजमेंट उस साइट किए थे हमको जूनियर से पता चल गया था तो हम उसका जवाब लेके गए थे और उन्होंने जजमेंट पढ़ा तो ओपन कोर्ट में कहा कि हमने फैसला लिखा था आपके खिलाफ अपील हमने डिसमिस कर दिया था अब आपका अपील हमें अलाउ कर देते हैं दोनों पार्टी के साथ तो इस कैलिबर के वो जज थे आज आप लोग को डर लगेगा वो जितना वकील था वहाँ पर सिविल क्रिमिनल चूँकि सब डिवीजन से गया था तो कोई ब्रीफ वाला वकील नहीं गया था सब न्यू कमर 2 साल 4 साल का प्रैक्टिसनर और धीरे धीरे 10-15 साल का सीनियर बन गया ब्रीफ तो रोज 10-20 को रहता था उन लोगों को लेकिन जानकारी कुछ नहीं सबको उन्होंने 4.5 साल तक सिखाया उन्होंने सभी वकील को बना दिया सिविल क्रिमिनल का 10 को वकील को तैयार कर दिया हम उनको जाके कहे कि योर नेम शैल बी रिटेन इन गोल्डन वर्ड्स इन द एसोसिएशन बिल्डिंग तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर आपको तंग करता है वकील जाहिल है तो आपके पास कागज और कलम भी तो है बहुत से लेडीज ऑफिसर लोग को देखते हैं घबरा के फोन कर देते हैं कई बार उधर वकील साहब बहस कर रहे हैं कि आपको करना होगा इस तरह से आजकल इतना रूड और रफ वकील आ गया हमको तो आइडिया नहीं लोअर कोर्ट का सुन के ताजुब लगता है
तो अब वैसे वकील के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। तो कोर्ट मैनेजमेंट के लिए तो आते ही हरिश्चंद्र बाबू ये लोग सब बताते हैं, हमको बताने के तो जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी हम टिप्स दे देते हैं कि आप सुन लीजिए, वकील को जितना बोलना है सुन लीजिए, सुनने में कोई, चूँकि आप न्यायमूर्ति है, मूर्ति हिलता डुलता बोलता नहीं है, न्यायमूर्ति की तरह चुपचाप सुन लीजिए, आप कलम चला दीजिए, अपने समझ जाएंगे, आपका ट्रेंड उस समझ जाएगा जो वकील फिर दोबारा बदमाशी नहीं करे। इसका बहुत अच्छा डिपिक्शन है कि हम क्या, वो रामलीला में सर राम का जब वो होता है